जय जिनेंद्र जैन विद्या भाग दो पाठ दस आचार्य रायचंद जी जन्म और दीक्षा। आचार्य रायचंद जी तेरा पंथ के तृतीय आचार्य थे। उनका जन्म राजस्थान के उदयपुर डिवीज़न मेवाड़ में बड़ी रावलिया गोगुंदा के पास एक छोटे से गांव में विक्रम संवत 1847 में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शाह चत्रोजी और माता का नाम कुशलाजी था। 11 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1857 चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को रावलिया में स्वामी भीकण जी के हाथों उनकी दीक्षा हुई थी। सरस व्याख्यानी मुनि श्री रायचंद जी ने थोड़े ही समय में आगमों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अनेक सूत्र उनके कंठस्थ थे। समस्त आगमों में अनेक बार उन्होंने अर्थ सहित स्वाध्याय किया था। धर्म चर्चा करने में भी वे बड़े निपुण थे। वे व्याख्यान बहुत सरस देते थे। अनेक व्याख्यान उनके कंठस्थ थे। स्वर में माधुर्य था, आवाज़ बड़ी तेज थी। कहा जाता है जब वे व्याख्यान देते तब आसपास के गांव तक उनकी आवाज़ सुनाई देती। युवाचार्य मुनि रायचंद जी भिक्षु स्वामी के अत्यंत विश्वास पात्र थे। उनके बाद द्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी के भी वे उतने ही विश्वास पात्र बन गए। संघ की आंतरिक व्यवस्था में उनका परामर्श लिया जाता था। भारमल जी स्वामी की अवस्था वृद्ध हो चुकी थी। वे अपने उत्तराधिकारी का निर्णय कर घोषणा करना चाहते थे, परंतु संघ में अनेक साधु योग्य होने के कारण वे एक नाम का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तेरापंथ संघ में भावी आचार्य के चुनाव में आचार्य किसी से परामर्श लें यह आवश्यक नहीं है, किंतु आचार्य भारमल जी ने मुनि हेमराज जी व खेतसी जी को बुलाकर इनसे परामर्श किया। दोनों ही संतों ने आचार्य भारमल जी के विचारों का स्वागत किया और कहा, आप हम संतों की ओर से निश्चिंत रहकर संघ के भावी हित के लिए अपने निर्णयानुसार निर्देश करें। हम सब आपके निर्णय को सहर्ष स्वीकार करेंगे। युवक साधु रायचंद जी इस भार के लिए सर्वथा योग्य हैं। आप उन्हें अपना उत्तराधिकार सौंप दें। आचार्य भारमल जी उनके विचारों से प्रभावित हुए। आपने उत्तराधिकार पत्र लिखा। नियुक्ति पत्र में दो व्यक्तियों का नामोल्लेख करते हुए लिखा, सर्व साधु साध्वी खेतसी जी तथा रायचंदजीरी आगन्यामाहे चालनों। इस पर पास बैठे बाल साधु जीतमल जी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप चाहें जिसका नाम लिखें परंतु नाम एक ही होना चाहिए। इस सुझाव पर आचार्य भारमल जी ने केवल एक नाम मुनि रायचंद जी का ही रखा। उस पत्र को सबके सम्मुख पढ़कर सुनाया गया और विधिवत मुनि रायचंद जी को युवाचार्य बना दिया गया। यह कार्य विक्रम संवत 1878 वैशाख कृष्णा नवमी को केलवा में संपन्न हुआ था। आचार्य काल आचार्य रायचंद जी संवत 1878 माघ कृष्णा नवमी को राजनगर में आचार्य पद पर आसीन हुए। वे शारीरिक दृष्टि से बड़े सबल और निरोग थे। उनका लंबा कद और ओजस्वी व्यक्तित्व दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित करने वाला था। वे औषध सेवन से स्वयं तो दूर रहा ही करते, अपितु दूसरों को भी कम से कम औषध सेवन के लिए सलाह देते थे। औषध के सहारे जीने वालों को वे निर्बल व्यक्ति माना करते थे। अपने आचार्य काल में उन्होंने अनेक नई मर्यादाओं का निर्माण किया और अनेक ऐसी व्यवहार पद्धतियां प्रचलित की जो संघ के लिए बहुत हितकारी सिद्ध हुई। उनके युग में तपस्या की भी वृद्धि हुई। उनमें आँच यानी छाछ के ऊपर निथरने वाला पानी के आगार से होने वाली 8-6 मासी तपस्याएं विशेष उल्लेखनीय हैं। तंबाकू पर नियंत्रण। उस समय में कुछ साधु तंबाकू सूंघा करते थे,
दूसरे संघों से आकर दीक्षित होने वाले साधु विशेष रूप से इस आदत में विवश पाए जाते थे। ऋषिराय इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें भय था कि कहीं ये प्रवृत्ति एक से दूसरे में संक्रमण करते हुए पूरे संघ में न फैल जाए। अस्तु उन्होंने तंबाकू सूंघने पर इतना कड़ा नियंत्रण किया कि कोई साधु नए सिरे से तो सूंघना आरंभ करे ही नहीं, किंतु जो पहले से सूंघता हो वह भी उसे छोड़ने में ही लाभ समझे। वस्तुतः उन्होंने माल से भी जगात को भारी बनाकर इस प्रवृत्ति को संघ से समूल उठा दिया। आज तो तेरापंथी श्रावक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि साधु को तंबाकू सूंघना भी कल्पता है क्या? कोई राजपूत भी है? ऋषिराय बड़े निर्भीक व्यक्ति थे। वे अपनी बात इतने प्रभावशाली ढंग से कहते थे कि सम्मुखीन व्यक्ति प्रभावित बिना हुए नहीं रहता था। एक बार तो घबरा तक जाता था। एक बार वे मेवाड़ में विहार कर रहे थे। कुछ संत उनसे कुछ दूर चल रहे थे। उन दिनों वहाँ डाकुओं का काफ़ी जोर था। गाँव में ठाकुर डाका डालने में रस लेते थे। एक बार विहार में उनसे आगे चलने वाले संतों को कुछ घुड़सवार डाकू मिले। संतों को सामान नीचे रखने के लिए कहा। संतों ने कहा, हमारे पास कोई धन नहीं है, हम तो साधु हैं, हमारे पास पहनने और ओढ़ने की आवश्यक सामग्री के सिवाय कुछ नहीं है। इतने में एक डाकू ने एक साधु के कंधे पर पड़ी कंबल को लेने की चेष्टा की। तत्काल उस साधु ने अपने कंबल को नीचे बिछा लिया और उस पर बैठ गया। डाकू भी घोड़े से उतरा और कंबल को खींच कर निकालने लगा। ऋषिराय पीछे दूर से ये सारा दृश्य देख रहे थे। वे पहचान गए कि ये लोग डाकू हैं। तत्काल ऊंचे स्वर में हाकल करते हुए उन्होंने कहा, सारे गोले ही गोले एकत्रित हुए हो या कोई राजपूत भी है? ऋषिराय की यह तेज आवाज़ काफ़ी दूर तक फैल गई। डाकू टोली का सरदार पीछे चल रहा था, तत्काल आगे आया। उस समय तक ऋषिराय उन संतों के पास पहुंच चुके थे। ठाकुर ने आते ही पूछा, क्यों महाराज, आपको राजपूत की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ऋषिराय ने कहा, नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं तो जानना चाहता था कि इनमें कोई राजपूत भी है या नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास था कि राजपूत अभी तक इतना पतित नहीं हुआ है कि जो संतों को भी लूटने का साहस करे। ठाकुर व कंबल लेने वाला डाकू ऋषिराय के कथन को सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने चरणों में नमस्कार करते हुए अपनी गलती स्वीकार की। ठाकुर ने कहा, महाराज, पीछे भी हमारे कुछ साथी आ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ न हो इसलिए ये दो आदमी आपको गांव तक छोड़कर आएंगे। नखेद तिथि। ऋषिराय मुहूर्त पर अधिक विश्वास नहीं करते थे। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति ज्योतिष के चक्कर में नहीं फंसा करता। वे जिस दिन आचार्य पद पर आसीन हुए थे उस दिन ज्योतिष के आधार पर निषिद्ध तिथि थी। निषिद्ध तिथि शुभ कार्य के लिए वर्जित मानी जाती है। मेवाड़ में निषिद्ध का उच्चारण नखेद करते हैं। अतः किसी ने प्रार्थना की, महाराज आज नखेद तिथि है। तत्काल ऋषिराय ने नखेद को न खेद मानकर भिन्न अर्थ करते हुए कहा, तब तो बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि उसमें हमें किसी प्रकार का खेद नहीं होगा। इस प्रकार वे बड़े निर्भीक व्यक्ति थे। यात्राएं। ऋषिराय को यात्रा का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रदेशों की यात्राएं की। उन यात्राओं में तेरापंथ का अच्छा प्रचार हुआ। अनेक लोग तेरापंथी बने। तेरापंथ के क्षेत्र विस्तार का उन्होंने एक नया सूत्रपात किया। थली यानी बीकानेर राज्य उन्हीं की समय से तेरापंथ का विहार क्षेत्र बना। मालव में जाने वाले यही प्रथम आचार्य थे। वहाँ अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ हुआ, फलतः वहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके भक्त बन गए। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में सर्वप्रथम उन्हीं का पदार्पण हुआ। उससे पूर्व तेरापंथ का कोई साधु भी वहाँ नहीं गया था। उपर्युक्त तीनों प्रदेशों की एक साथ यात्रा करके उस समय उन्होंने लगभग 1400 मील का मार्ग तय किया था। थली में पदार्पण। उस समय की थली आज की थली से सर्वथा भिन्न थी। मोटा खाना, मोटा पहनना, खेती व पशुपालन कर अपनी आजीविका चलाना,
कच्चे गोबर के लिपे हुए मकान तथा घास के झोपड़े, न रेल न सड़क, बड़े बड़े रेत के टीले आने जाने वाले व्यक्ति को थका देते थे। ऐसी थी उस समय की थली। वहाँ के अधिकांश ओसवाल यति संप्रदाय को मानने वाले थे। आचार्य भिक्षु का थली में पदार्पण हुआ था, किंतु किसी कार्य विशेष से। धर्म प्रचार हेतु सर्वप्रथम आचार्य रायचंद जी का ही यहाँ पदार्पण हुआ। ऋषि राय के पदार्पण से वहाँ के लोगों को अच्छा लाभ मिला। उन्होंने वहाँ अपना प्रथम चातुर्मास बिदासर में किया। अन्य अनेक गांवों में साधु साधुओं के चातुर्मास कराए। आज का थली ऋषि राय के उस धर्म प्रचार का ही सुफल है। शरीरांत। ऋषि राय के शरीर में यदा कदा श्वास का प्रकोप रहता था, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता। थोड़े थोड़े विश्राम मात्र से वह प्राय ठीक हो जाया करता था। विक्रम संवत 1908 का चातुर्मास उदयपुर में था। चातुर्मास के बाद उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में विचरते हुए आप छोटी रावलिया पधारे। वहाँ माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शौच के निमित्त ग्राम बाहर जाते समय आपको श्वास कुछ भारी महसूस हुआ। फिर भी साधारण रूप से सारी दैनिक क्रियाएं पूर्ववत ही संपन्न की। साय प्रतिक्रमण के पश्चात पुनः श्वास का प्रकोप बढ़ा। संतों ने बिछौना किया, आप लेट गए। लेटने से श्वास शांत नहीं हुआ, तब पुनः विराज गए। संतों से कहा, आज से पहले कभी सोने पर श्वास नहीं फूला था। बस ये उनके अंतिम शब्द थे। उसके पश्चात तत्काल वे दिवंगत हो गए। ऋषिराय के शासनकाल में 245 दीक्षाएं हुई, उनमें 77 साधु और 100